नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारती स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आज आपको वही जो साइकोलॉजी की जो शाखाएं चल रही थी, मनोविज्ञान की शाखाएं कल हमने पढ़ी थी, 12 शाखाओं का अध्ययन हमने किया था। आज हम 12 से यानी 13 से 17वीं शाखा तक पहुंचेंगे। 16वीं शाखा हमारी व्यावहारिक मनोविज्ञान की है, लास्ट शाखा हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की है। तो स्टूडेंट्स, जो मेन शाखाएं हमारी हैं वो क्या है? व्यावहारिक मनोविज्ञान, जो हमारी 20वीं सदी के अंदर जो हमारी साइकोलॉजी है वो व्यावहारिक तौर तरीकों से मानी गई है, और शिक्षा मनोविज्ञान जो है, जो हमें जो हम हमारा जो एम है शिक्षक बनने का, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको 12 प्रकार की शाखाएं बताई थी, जिनमें मैं उनका छोटा सा रूप बता देती हूँ। उसके बाद हम 13वीं शाखा से 17वीं शाखा तक विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, शाखाओं का जानना, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि शाखा और उनका अध्ययन क्षेत्र, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहली बात तो मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान बालक, किशोर, प्रौढ़ और सामान्य असामान्य व्यक्तियों का, मनुष्य और पशुओं का क्या है? तुलनात्मक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। देखिए स्टूडेंट्स, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान ये जो एक लाइन है, इसके अंदर समावेशित किया गया है कि मनोविज्ञान बालक, किशोर, प्रौढ़, सामान्य, असामान्य और व्यक्तियों का, मनुष्य और पशुओं का तुलनात्मक अध्ययन ही साइकोलॉजी है। अब स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास में 12 शाखाएं पढ़ी थी। पहली शाखा थी नॉर्मल यानी कि सामान्य मनोविज्ञान, पहली थी सामान्य मनोविज्ञान सामान्य, और सेकेंड थी असामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, ठीक है। तीसरी हमारी क्या थी? सबसे मेन बताई थी मैंने आपको, बाल मनोविज्ञान। क्या थी? बाल मनोविज्ञान। अब चौथी शाखा हमारी क्या थी? किशोर मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। नेक्स्ट हमारी जो शाखा थी पांचवी, वो क्या थी? व्यक्तिक मनोविज्ञान, व्यक्तिक मनोविज्ञान, ठीक है। और जो हमारी व्यक्तिक मनोविज्ञान के बाद जो शाखा थी हमारी, वो कौन सी थी? उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा समाज मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान। और सिक्स हमारी थी छह मनोविज्ञान, यहाँ कंप्लीट होते हैं। सातवां मनोविज्ञान हमारा है पशु मनोविज्ञान। क्या था? पशु मनोविज्ञान। आठवां था हमारा, वो था प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। नौवीं हमारी जो मनोविज्ञान था वो क्या था? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। दसवीं जो मनोविज्ञान की शाखा है वो इसमें बताई गई है, उत्पत्ति मूलक मनोविज्ञान। और ग्यारहवीं शाखा जो है वो है यहाँ पे आपकी विकास, जो डेवलपमेंट साइकोलॉजी होती है, विकास मनोविज्ञान। और बारहवीं शाखा जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी वो क्या थी? शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान, ये 12 शाखाओं का अध्ययन कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। 13वीं शाखा, 13वीं शाखा जो है वो हमारी यहाँ आ जाती है, क्या आ जाती है? प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान। और 14वीं शाखा प्रौढ़ मनोविज्ञान के बाद हम ये इनका अध्ययन क्षेत्र भी यही है कि प्रौढ़ मनोविज्ञान में प्रौढ़ व्यक्तियों की जो साइकोलॉजी है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परा मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान। अब ये परा मनोविज्ञान है
परे। ज्ञान और विज्ञान से परे यानी प्राकृतिक चीजें हैं उनकी जो साइकोलॉजी है वो परम है, परम मनोविज्ञान मानी जाती है। जो दूर बोध का बोध कराती है वो परम मनोविज्ञान कहलाती है। जो 15वीं हमारी शाखा है, 15वीं शाखा परम मनोविज्ञान के अलावा भू मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं जियो साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी यानी भू मनोविज्ञान, इसके अंदर पर्यावरण के क्षेत्र की जो चीजें होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। 16वां जो आता है वो है हमारा व्यावहारिक मनोविज्ञान, व्यावहारिक मनोविज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, ये व्यावहारिक मनोविज्ञान है, इसका स्कोप यानी इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि व्यावहारिक मनोविज्ञान के अंदर 7 मनोविज्ञानों का अध्ययन कराया है, वो जो मैं आपको अभी यहाँ विस्तार से बताने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो व्यावहारिक मनोविज्ञान है इसकी भी ब्रांचें हैं। व्यावहारिक मनोविज्ञान है, व्यावहारिक जो मनोविज्ञान है इसकी ब्रांचेज है वो किस तरीके से है, देखिए यहां पर इसकी व्यावहारिक की पहली है सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान यानी सैनिकों का, सैनिक जो होते हैं यानी कि बॉर्डर पे जो भी होते हैं सैनिक, उनकी जो उस प्रकार की जो उनकी साइकोलॉजी होती है वो सैन्य मनोविज्ञान के अंदर आती है, इसकी ये पहली हुई। और व्यावहारिक की दूसरी जो शाखा है वो है औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक, औद्योगिक मनोविज्ञान। इस प्रकार की साइकोलॉजी जो औद्योगिक क्षेत्रों में जिनका मन शरीर तन मन धन से जो भी होता है उसकी साइकोलॉजी औद्योगिक क्षेत्र में जो होती है वो औद्योगिक मनोविज्ञान है। तीसरा हमारा आ जाता है कानूनी मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान। इस कानूनी मनोविज्ञान के अंदर अपराधियों, न्यायाधीशों, मतलब किसी भी तरीके का कानून के लिए हमें कानूनी साइकोलॉजी का अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट आती है चौथा हमारा जो आता है चिकित्सक मनोविज्ञान, चिकित्सा, चिकित्सा मनोविज्ञान। देखिए स्टूडेंट्स, चिकित्सा मनोविज्ञान के अंदर मानसिक रोग ग्रस्त और व्यक्तियों की अवधारणाएं, धारणाएं जो होती हैं वो चिकित्सा मनोविज्ञान के अंदर आती हैं। असाधारण व्यवहारों के लिए भी चिकित्सा मनोविज्ञान को जाना जाता है। पांचवा आता है उपभोक्ता, उपभोक्ता मनोविज्ञान। उपभोक्ता मनोविज्ञान जो है उपभोक्ताओं के व्यवहार को उसकी अपनी परिस्थितियों में ढालने का कार्य जो साइकोलॉजी से किया जाता है वो उपभोक्ता मनोविज्ञान के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है सलाह और निर्देशन, सलाह और निर्देशन मनोविज्ञान, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो होती है, सलाह और निर्देशन की जो मनोविज्ञान है उसकी साइकोलॉजी भी किसके अंदर आती है, व्यावहारिक मनोविज्ञान। ये एक इतनी बड़ी शाखा है और 16वीं शाखा है व्यावहारिक मनोविज्ञान, उसके अंदर 6 और 7वीं शाखा जो है वो आपकी आएगी कौन सी, सेवा चयन, सेवा चयन ये मनोविज्ञान है। सेवा चयन वाला ये किसके लिए किया जाता है मनोविज्ञान, परीक्षाओं के आधार पर, परीक्षा लेने और देने के आधार पर जिन जिन क्षेत्रों में मनुष्य का चयन, प्राणी का जो चयन किया जाता है, व्यक्ति का जो चयन किया जाता है वह चयन मनोविज्ञान के अंदर आता है, यानी कि सिलेक्शन, सिलेक्टेड चयन मनोविज्ञान के अंदर आता है। अब हमारा जो लास्ट मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की परिपूर्ण जो शाखा है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि हमारी जो 17वीं शाखा है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास का अध्ययन, बालक की किशोरावस्था का अध्ययन, बालक जो क्रिया प्रतिक्रियाएं जो पढ़ते और पढ़ते समय जो करता है उन चीजों का अध्ययन, उसकी जो इंटेलिजेंसी है उस
शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आता है। तो मैंने आपको कल की जो क्लास थी उसमें 12 जो शाखाएं बताई थी उन्हीं को यहाँ लेते हुए 17 शाखाओं को कंप्लीट किया है स्टूडेंट्स। तो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं जिनमें आपसे किसी भी तरीके का तथ्यात्मक क्वेश्चन अगर किया जाता है कि कौन सी शाखा किस नंबर पे है, उस शाखा में कौन तरीके का अध्ययन क्षेत्र है, किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम अगर शाखाओं का अध्ययन करते हैं तो आसानी से हम उसका तथ्यात्मक हाँ या ना, सत्य असत्य में जो भी प्रश्न जिस भी तरीके से आता है हम उसको परिपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी इन शाखाओं के साथ खत्म होती है स्टूडेंट्स। मेरी इस पढ़ाने के तरीके को आप पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे कमेंट बॉक्स में इसी तरीके से आप कमेंट्स करते रहें।